हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब के पॉपुलर एक्टर और सिंगर गिप्पी गरेवाल के बारे में। आगे वीडियो में हम आपको इनकी बायोग्राफी और लाइफस्टाइल के साथ साथ इनकी लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी बताएंगे जो आप नहीं जानते होंगे, तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको गिप्पी गरेवाल के गाने पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इनका रियल नाम रुपिंदर सिंह गरेवाल है एंड इनका निक नाम गिप्पी है। गिप्पी गरेवाल का जन्म 2 जनवरी 1983 को लुधियाना, पंजाब में हुआ और 2022 में ये 39 ईयर्स के हो गए हैं। इन्होंने अपनी स्कूलिंग ननकाना साई पब्लिक स्कूल कोट गंगू राय लुधियाना पंजाब से की है और कॉलेज की पढ़ाई इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की है। और इसके बाद इन्होंने नॉर्थ इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट पंचकूला से होटल मैनेजमेंट की डिग्री ली है। प्रोफेसर से ये एक्टर, सिंगर और प्रोड्यूसर है। चलिए बात कर लेते हैं गिप्पी गरेवाल के करियर के बारे में। गिप्पी गरेवाल को अपने स्कूल के दिनों से ही एक्टिंग और सिंगिंग का बहुत शौक रहा है। दोस्तों, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कम्प्लीट करने के बाद इन्होंने एक होटल में मैनेजर के तौर पर काम किया। 2002 में इन्होंने सिंगर के तौर पर डेब्यू किया अपनी फर्स्ट एल्बम चकले से। इसके बाद 2003 में गिप्पी गरेवाल ने आजा वे मित्रा एल्बम रिलीज की। इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट इनके एल्बम पुलकारी को माना जाता है, जो कि 2005 में आई थी। इसी एल्बम से इनको काफ़ी पॉपुलरिटी मिली थी। इसके बाद भी इनकी कई सुपरहिट्स एल्बम आई है, जिनके नाम है देसी सुपरस्टार, तलवार और लिमिटेड एडिशन। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि इन्होंने कई फिल्मों में काम भी किया है। इन्होंने 2010 में एक्टर के तौर पर डेब्यू किया मेल करा दे रब्बा मूवी से। इसके बाद ये 2011 में जिन्ने मेरा दिल लुटिया मूवी में नजर आए और फिर 2012 में इन्होंने कैरी ऑन जट्टा मूवी में काम किया। 2015 में ये फरार और फिर 2016 में ये अरदास मूवी में दिखे थे। दोस्तों, 2020 में गिप्पी गरेवाल ने एक सिंधु होंदा सी मूवी में काम किया और फिर 2021 में गिप्पी गरेवाल माजे विस्तरे 3 मूवी में नजर आए। और दोस्तों, इनकी यह मूवी ऑडियंस को बहुत बहुत पसंद आई थी। इसके साथ ही दोस्तों, 2022 में गिप्पी गरेवाल की 3 सुपरहिट फिल्में आई हैं, जिनके नाम है यार मेरा तितलिया वर्गा, माँ और हनीमून। दोस्तों, आपको गिप्पी गरेवाल की कौन सी फिल्म अच्छी लगती है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अब आपको मिलवाते हैं गिप्पी गरेवाल की फैमिली से। दोस्तों, इनके पिता का नाम संतोष सिंह है और इनकी मदर का नाम कुलवंत कौर है। इनका एक ब्रदर भी है जिनका नाम सीपी गरेवाल है। इनकी वाइफ का नाम रवनीत कौर है और इनके 3 बेटे हैं, जिनके नाम हैं एकोमकर गरेवाल, गुरफतेह गरेवाल और गुरबाज गरेवाल। चलिए अब बात कर लेते हैं गिप्पी गरेवाल की इनकम के बारे में। दोस्तों, गिप्पी गरेवाल पर सॉन्ग 14 लाख रुपीज चार्ज करते हैं एंड पर फिल्म ये 4 करोड़ रुपीज चार्ज करते हैं। वहीं चलिए बात कर लेते हैं अब गिप्पी गरेवाल की नेटवर्थ के बारे में। तो दोस्तों, इनके नेटवर्थ 9 मिलियन US डॉलर है, जो कि इंडियन रुपीज़ में होते हैं 74 करोड़ रुपए। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं गिप्पी गरेवाल के हाउस की। दोस्तों, इनका अपना एक घर लुधियाना पंजाब में है और इसके अलावा इनका एक आलिशान बंगला है जो कि कनाडा में है। चलिए अब बात कर लेते हैं गिप्पी गरेवाल के कार्स कलेक्शन के बारे में। इनके पास फर्स्ट कार है BMW 720D, इसका प्राइस 1.42 करोड़ रुपीज है। एंड सेकंड कार इनके पास है ओडी R8, जिसका प्राइस 2.30 करोड़ रुपीज है। एंड गिप्पी गरेवाल के पास थर्ड कार है रेंज रोवर स्पोर्ट, जिसका प्राइस 1.64 करोड़ रुपीज है। एंड फोर्थ कार इनके पास है हमर S2, जिसका प्राइस 78 लाख रुपीज है। इसके अलावा इनके पास एक फरारी 488 भी है, जिसका प्राइस 4 करोड़ रुपीज है। एंड लास्ट कार इनके पास है रोल्स रॉयस फैंटम, जिसका प्राइस है 9 करोड़ रुपीज। तो दोस्तों, ये थी गिप्पी गरेवाल की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप गिप्पी गरेवाल के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।